ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, कि प्लांट्स में पोषण कैसे मिलता है। इन क्लास सिक्स यू हैव लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास सिक्स में हमने पढ़ा था कि खाना जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, vitamins and minerals are component of food, and these components of food are called nutrients and are necessary for our body। और ये जो component of food होते हैं, component of food क्या क्या होते हैं, protein, fats, vitamin, minerals are component of food। यहाँ से एक आपका question आ सकता है कि what are the component of food, तो क्या लिखना है, protein, fat, vitamin, minerals are the component of food, और इसी component को हम लोग nutrients बोलते हैं। okay, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो सो वाटर न्यूट्रिएंट्स, तो द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, और ऐसे भी लिख सकते हैं द कॉम्पोनेंट्स लाइक विटामिन मिनरल्स आर ऑफ फूड आर न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, और जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आएंगे। प्लांट्स जो है वो खुद अपना खाना बना सकता है, लेकिन एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ओके, या तो एनिमल्स अपना खाना प्लांट्स से डायरेक्टली पाएगा, या एनिमल्स से पाएगा जो कि प्लांट्स को खाते हैं। अब इस लाइन को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई शाकाहारी जीव है, तो वो तो डायरेक्ट प्लांट्स ही खा रहा है। जैसे शाकाहारी अगर कोई है तो बैगन खा रहा है, सब्जी खा रहा है, मूली खा रहा है, तो वो क्या हुआ, वो तो प्लांट्स ही है ना, वो तो अपना खाना खुद ही बना रहा है। अब कोई मांसाहारी है, आदमी है, या फिर मान लीजिए लायन है, तो लायन क्या खाता है, लायन मान लीजिए कि रैबिट को खाता है, लेकिन रैबिट क्या खा रहा है, रैबिट तो घास खा रहा है, ठीक है। तो ये घास जो है, अगर रैबिट घास नहीं खाएगा तो रैबिट ज़िंदा नहीं रहेगा, रैबिट ज़िंदा नहीं रहेगा तो लायन क्या खाएगा। तो इस तरह से लायन भी जो है अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। ओके, नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surrounding. Okay, तो plants जो है वो सिर्फ ऐसे organism होता है जो कि food को खुद पकाता है। ओके, और किस किस चीज़ से पकाता है, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से और मिनरल से। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, और ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी ये रॉ मटेरियल्स, कौन से रॉ मटेरियल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स जो होता है, ये सराउंडिंग में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि वॉट आर द रॉ मटेरियल्स, ओके, विच आर नीडेड बाई द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। तो वॉट आर द रॉ मटेरियल्स यूज बाई द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड, वॉट आर दे आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। अब देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो किस किस चीज़ में हम लोगों को सक्षम करता है। न्यूट्रिएंट्स से हमारा बॉडी ग्रो करता है, जो डैमेज सेल होता है वो रिपेयर करता है, और जो हमारा लाइफ प्रोसेसेस होता है वो कैरी आउट करता है। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, बिकॉज दे इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स, ओके, एंड टू प्रोवाइड एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, वॉट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाई द बॉडी, और उसका यूटिलाइजेशन, ठीक है। नाउ यहाँ से न्यूट्रिशन का दो पार्ट्स होगा, ठीक है। दो तरह से हम लोगों को न्यूट्रिशन मिलता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक मोड। तो आइए आगे पढ़ते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे
जो मोड होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं. ओके, और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. ओके, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक फूड इन प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. और जो हमारा एनिमल्स होता है और जो अदर एनिमल्स होते हैं वो खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे. तो वो डिपेंडेंट है अदर पे, इसलिए उसको हेटरोट्रॉप्स बोला जाएगा. यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर प्लांट्स, तो प्लांट्स आर व्हाट आर प्लांट्स, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड व्हाट आर एनिमल्स, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स. ओके, और द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच एनिमल्स मेक देयर फूड इज हेटरोट्रॉपिक मोड. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स. अब ये हम लोग जानना चाहेंगे, ये पूछ सकता है कि कहाँ फूड फैक्ट्री होता है, ठीक है, प्लांट्स का, और क्या फूड जो है वो प्लांट के हर पार्ट में बनता है या किसी एक पार्ट में. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग. अब हम लोग ये तो पढ़ें कि सराउंडिंग में रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो रॉ मटेरियल्स होता है यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, वो सराउंडिंग से मिलता है. लेकिन कैसे सराउंडिंग से उसको ऑब्टेन करता है, लेता है, ठीक है, प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए, और खाना बनाने के बाद वो उस खाने को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. ओके, यानी कि जो मटेरियल्स होता है, जो रॉ मटेरियल्स होता है सराउंडिंग से ले करके फिर वो प्लांट्स का जो फूड फैक्ट्री है वहाँ तक कैसे पहुँचाता है. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. तो ये तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है हम लोग अब आगे देखेंगे. ओके, एंड दिस वन इज टॉपिक 1.2, दैट इज फोटोसिंथेसिस. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो. फोटो का मतलब होता है आपका लाइट, एंड साइंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना, ठीक है. तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये प्रोसेस का नाम है, ये प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. लीव्स क्या होते हैं, प्लांट्स के फूड फैक्ट्रीज होते हैं. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव. तो इसीलिए लीव्स क्योंकि फूड फैक्ट्रीज होता है प्लांट्स का, इसलिए जो भी रॉ मटेरियल हम लोगों को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जरूरी है उसको लीव्स तक पहुंचाना होता है. वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. वाटर और मिनरल्स जो कि हम लोगों को सॉइल से मिलता है उसको हम लोग सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, और फिर उसको हम लोग लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. ओके, हियर वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देन लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. नाउ हाउ, फ्रॉम वेयर डू वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द लीव्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, और वो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए किस तरह से लेते हैं. लीव्स जो होता है ना उसमें टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये जो पोर्स होता है ये गार्ड सेल से सराउंडेड होता है. ऐसे पोर्स को स्टोमाटा बोलते हैं. ओके, सो व्हाट इज स्टोमाटा. तो स्टोमाटा इज नथिंग बट टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ लीव्स. जो लीव्स पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम स्टोमाटा बोलते हैं. इज दैट क्लियर. और स्टोमाटा के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सराउंडिंग में होता है उसको हम लोग लेते हैं. ओके, हम लोग नहीं, प्लांट्स लेते हैं. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू द रूट्स द स्टेम. ओके, वाटर और मिनरल्स जो होता है आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट द स्टेम द ब्रांचेस एंड द लीव्स. एक जाइलम नाम का वेसल होता है, ठीक है, जाइलम होता है जिससे कि आपका वाटर और मिनरल्स जो है वो लीव्स तक पहुंचता है, ठीक है, विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट स्टेम्स एंड ब्रांचेज एंड लीव्स. जो कि रूट से होकर के, स्टेम से, ब्रांचेस से होकर लीव्स तक पहुंचता है, लीव्स तक भी पहुंचता है. दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव. और ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज बनाते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स जो है सो वो लीव तक पहुंचते हैं. दे आर कॉल्ड वेसल्स. और ये जो होते हैं ये वेसल्स होते हैं. वॉटर वेसल्स, वेसल्स आर द कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज
through which the nutrients reach to the leaves. You will learn more about the transport of material in plants in chapter 11. Xylem और phloem के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िएगा chapter 11 में, ठीक है, कि किस तरह से सारा materials जो है सो plants में transfer होता है, ये chapter 11 में आपको पढ़ना है. Okay. The leaves have a green pigment called chlorophyll. What leaves are having? Leaves are having green pigment. It helps leaves to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Okay now. अब तो ये हम लोग देखे कि जो leaves है वो food factories होते हैं, ठीक है. तो leaves खाना कैसे बनाते हैं? With the help of green pigment that is called chlorophyll. Okay. अब ये chlorophyll क्या करता है? ये जो chlorophyll है ये sunlight को capture करता है, ठीक है. It helps leaves to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. तो ये जो chlorophyll होता है ये sunlight का energy को क्या करता है? Capture करता है. और इसी energy से हम लोग जो हमारा leaves होता है वो carbon dioxide और water के help से food को synthesize करता है, यानी कि बनाता है. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, so it is called photosynthesis. और जो सिंथेसिस ऑफ फूड होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है. जो फूड प्रिपेयर करता है लीव्स वो सनलाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर करता है, इसलिए इस होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. अर्लियर आई हैव आल्सो टोल्ड यू कि फोटो का मतलब लाइट होता है एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना प्रिपेयर करना. ओके. यहाँ से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर क्लोरोफिल्स. सो क्लोरोफिल्स आर द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स. ओके. हाउ डू क्लोरोफिल हेल्प इन मेकिंग फूड? तो हेंस द क्लोरोफिल कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दस द क्लोरोफिल हेल्प्स इन मेकिंग फूड इन प्लांट्स. ओके. सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और इस तरह से हम लोगों को क्या समझ में आता है कि हम लोगों को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए कौन कौन से चीजों की आवश्यकता है? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ओके. इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड. ओके. ये कैसे कहा जा रहा है आपका? देखिए, ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही यूनिक है. देखिए क्या कह रहा है कि द सोलर एनर्जी, सो सन का जो एनर्जी है वो लीव्स कैप्चर करता है और फूड के फॉर्म में प्लांट्स में रखता है. समझ रहे हो क्या कह रहा है? कि सोलर एनर्जी को लीव जो है कैप्चर करता है और फूड के फॉर्म में स्टोर करता है. कैसे? आपका क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है और उसको उसी सनलाइट की एनर्जी को यूज करता है ना आपका फोटोसिंथेसिस के लिए और उस मतलब खाना बनाने के लिए. तो ये क्या हो गया? जो सोलर एनर्जी है एक तरह से हमारा फॉर्म ऑफ फूड में प्लांट्स में स्टोर होता है. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. और इसीलिए सन जो होता है वही एकमात्र एनर्जी का सोर्स होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. अब जरा दिमाग से सोचिए कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर सनलाइट का एनर्जी नहीं होगा तो प्लांट्स खाना नहीं बनाने पाएंगे. प्लांट्स खाना नहीं बनाने पाएंगे तो कोई प्लांट्स नहीं होगा. प्लांट्स नहीं होगा तो हम लोग तो जानते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है खाना, अपना खाना के लिए. ठीक है, ऑल द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस कैरी आउट होता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है. ठीक है, प्लांट्स, तो वो ऑक्सीजन हम लोगों के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, जो कि ऑक्सीजन भी हम लोगों को नहीं मिलेगा. ओके नाउ, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप अर्थ पे किसी भी तरह का लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all the living organism directly or indirectly depends upon the food made by the plants. जब हमारा photosynthesis नहीं होगा तो plants ही नहीं रहेंगे. तो survival of सारा जो हमारा living organism का survival है, हम लोग जानते हैं कि directly और indirectly किस पे depend करता है? Plants पे. Besides that, oxygen is essential for the survival of all living organism. और इसके अलावा हमारे जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है, जो कि कब प्रोड्यूस होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान.
In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. So, photosynthesis के absence में जो हमारा life है वो impossible होगा. एक question यहाँ से पूछ सकता है, how can you say that there will be no life on the earth in the absence of photosynthesis? तो उसका answer क्या होगा? Point wise लिखेंगे हम लोग. Number one, if there will be no photosynthesis, we cannot survive because directly or indirectly we all are dependent on the plants. Secondly, for the survival we need oxygen which is released during the process of photosynthesis. Okay. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight uses carbon dioxide and water to synthesis carbohydrates. The process can be represented in the equation. This equation is very important. आपसे question पूछा जा सकता है कि show the process of photosynthesis with the help of equation. तो देखिए, carbon dioxide और water के मदद से sunlight और chlorophyll के presence में ये जो leaves है वो क्या बनाते हैं? Carbohydrate और oxygen. Okay? Carbohydrate is also called starch. Now see this diagram. इस diagram में हम लोग क्या देख रहे हैं कि leaf है, ये लाइट एनर्जी को ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है सराउंडिंग से, ठीक है. क्लोरोफिल पहले से लीव्स में है, वाटर मिनरल्स इसको रूट से मिल रहा है और ये क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन को. इज दैट क्लियर? नाउ डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस. आपसे ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा इसको. एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके. एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो आपको ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? ओके. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस होता है इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है. देखिए कितनी अच्छे से प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है. हम लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 देते हैं. और प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं. इस तरह से हमारी जो प्रकृति है वो बैलेंस्ड हो रही है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो बनता है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. और स्टार्च क्या है? स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है. तो अगर हमारे लीव्स में स्टार्च है तो ये पता चल जाएगा कि हाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है, ठीक है. ओके. नाउ वी विल मूव फर्दर. नाउ विल रीड एक्टिविटी 1.1. लेट्स सी व्हाट इट इज गिवन इन एक्टिविटी 1.1. टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, कीप वन इन डार्क फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट. दो पॉटेड प्लांट्स लीजिए. पॉटेड प्लांट्स मतलब कि दो प्लांट्स लीजिए जो कि आपका जो है सो गमले में लगाया हुआ है, ठीक है. एक को क्या कीजिए? डार्क में रख दीजिए 72 आवर्स के लिए. और एक प्लांट को क्या कीजिए कि सनलाइट में रख दीजिए. ओके. उसके बाद फिर आपको क्या करना है? आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6. आयोडीन टेस्ट में हम लोग क्या करते थे? पत्तों के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते थे. फिर आप दोनों पत्तों मतलब दोनों जो प्लांट्स हैं आपके वो दोनों का जो पत्ता है एक एक पत्ता लीजिए और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालिए और उसके बाद देखिए कि क्या रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट को रिकॉर्ड कीजिए. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन डार्क इन सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव. ओके. अब आप क्या कीजिए कि जिस पत्ते को डार्क जिस पौधे को आपने डार्क रूम में रखा था उसको आप सनलाइट में रख दीजिए 3 से 4 दिन के लिए और फिर से आयोडीन टेस्ट को अगेन आयोडीन सॉल्यूशन जैसे डाल के हम लोग आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किए थे उसको आप परफॉर्म कीजिए और फिर अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए नोटबुक में. ओके. नाउ द लीव्स अदर देन ग्रीन. अब आपको ये पूरे ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलेगा? द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो. तो जो लीव्स होता है जो कि मतलब जिसमें कि ग्रीन कलर नहीं होता है जो कि रेड कलर के होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होते हैं, ठीक है.
लेकिन द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड कलर और ब्राउन कलर और अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. मतलब कि जो हमारा ग्रीन कलर होता है उसको अदर जो पिगमेंट्स होते हैं रेड कलर के ब्राउन कलर के वो उसको ढक देते हैं. तो जो ग्रीन कलर के लीव्स नहीं होते हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ यू ऑफ्टन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज. These are generally formed by growth of organism called algae. आपने देखा होगा, मतलब देखा होगा often कि स्लीमी पतले ग्रीन पैचेस वाले जो स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज होते हैं उनमें आप पत्ते देखे होंगे. ठीक है, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाई द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी. और ये क्यों बन जाते हैं? ये जो है सो एक ऑर्गेनिज्म होता है एल्गी. एल्गी अच्छा ये ग्रीन कलर का क्यों होता है? बिकॉज एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है. इज दैट क्लियर? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर. एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस. सो वॉट इज द मोड ऑफ मेकिंग फूड? ओके, हाउ एल्गी मेक देयर फूड? तो एल्गी ऑल्सो मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. इफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट व्हाई एल्गी इज ऑफ ग्रीन कलर, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द एल्गी मेक इट ऑफ ग्रीन कलर. ओके, वो उसको ग्रीन कलर का बना देता है. इज इट क्लियर? नाउ वी विल स्टडी साइंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट वो कैसे, जो बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनको वो कैसे साइंथेसिस करते हैं? यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट साइंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अभी अभी हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर करते हैं. ओके, नाउ द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किसको कहते हैं? जो कि सिर्फ एक चीज से नहीं बनता, वो बहुत सारी चीजों को मिला के बनता है. जैसे आप देखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सबको मिला के बना है. ठीक है, दीज आर यूज टू साइंथेसिस अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स. और ये जो कार्बन, ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन है ये यूज किया जाता है क्या करने के लिए? अदर कॉम्पोनेंट्स जो फूड के हैं जैसे कि प्रोटीन और फैट्स, इनको भी प्रिपेयर करने के लिए, इनको भी साइंथेसिस करने के लिए. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. लेकिन जो हमारा प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है और हम लोगों को नाइट्रोजन भी चाहिए होता है क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है तो वो नाइट्रोजन को कंटेन करता है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब सोचने वाली बात ये है कि नाइट्रोजन प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्यूडेंस इन द गैशियस फॉर्म इन द एयर. आप ये बात याद कीजिए कि नाइट्रोजन जो है हमारा एयर में मिलता है. ठीक है, 78% ऑफ जो एयर होता है वो नाइट्रोजन होता है हमारा. ओके, नाउ हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. ऑल्दो हमारा नाइट्रोजन जो है वो 78% हमारे सराउंडिंग में रहता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन गैस को नहीं ले सकता. ठीक है, नाइट्रोजन गैस को यूजेबल फॉर्म में जब वो होता है, सॉल्युबल फॉर्म में, तो ही प्लांट्स यूज कर सकते हैं. सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. तो जो हमारा सॉइल होता है उसमें सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्पफुल होता है. ओके, तो इस तरह के बैक्टीरिया सॉइल में मौजूद होते हैं जो कि जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन होता है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं हमारे सॉइल में और इस तरह से रिलीज कर देते हैं हमारे सॉइल में. और फिर वो जो हमारा नाइट्रोजन है वो वाटर के साथ मिल करके फिर वो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है. ओके, दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर. और ये जो नाइट्रोजन होते हैं ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं वाटर के साथ. ओके, ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन जो होता है हमारा उसको फर्टिलाइजर्स के तौर पे डालते हैं. ठीक है, फर्टिलाइजर्स के रूप में
सॉइल में डालते हैं. इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद अदर कंस्टिट्यूट. और इस तरह से नाइट्रोजन का जो हमारा फुलफिलमेंट है वो होता है अदर कंस्टिट्यूएंट्स के साथ. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स. और इस तरह से प्लांट्स जो है वो क्या प्रोटीन और विटामिन्स को भी सिंथेसिस कर सकता है, प्रिपेयर कर लेता है. ओके, अभी हमारे पास ये क्वेश्चन था ना कि नाइट्रोजन हम लोगों को कैसे मिलता है. दूसरी बात है कि क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ऑल दो वी आर सेइंग दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म इन द एनवायरमेंट, देन हाउ कैन यू मींस दैट हाउ इट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स. ओके, कैसे ये यूज किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये एक आपका स्टेटमेंट है कि नाइट्रोजन जो आपका है वो गैसियस फॉर्म में है एनवायरमेंट में और उसको तो यूज नहीं कर सकता है, तो सॉइल में किस तरह से वो जाता है और किस तरह से नाइट्रोजन की भरपाई होती है. तो हियर वी विल व्हाट आवर आंसर विल बी, हमारा आंसर क्या होगा कि सर्टेन बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म. और इसका एग्जांपल क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया. इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है राइजोबियम बैक्टीरिया. ये नाइट्रोजन फिक्सर के नाम से भी जाना जाता है. इस बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सर्स के नाम से भी जानते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टडी अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अभी तक हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि प्लांट्स खुद से अपना खाना बनाते हैं. ओके, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि बाकी और सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. How do they survive and from where do they derive nutrition? कुछ plants ऐसे होते हैं जिनमें कि chlorophyll नहीं पाया जाता है, ठीक है, और वो food को synthesize नहीं, prepare नहीं कर पाते हैं. तो वो कैसे survive करते हैं और वो उनको nutrition कैसे मिलता है, ठीक है, ये अब question है. Like human and animals, such plants depend on food produced by other plants. जैसे कि हमारा humans और एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उसी तरह से ऐसे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है वो भी प्लांट्स पे ही अदर प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं. दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हमने बताया था ना कि हेट्रो मतलब अदर, तो हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पे निर्भर हो अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. लुक एट फिगर 1.5. आई विल शो यू फिगर 1.5. वेट, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो है, ये जो येलो देख रहे हैं ये है अमरबेल. ओके, ये पैरासाइट है और ये जो है ये ग्रीन कलर का जो ट्री है ये होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर कि जो ऐसे प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं ये क्या करते हैं कि ये ऐसे प्लांट्स के ऊपर क्लाइम करके रहते हैं, चिपक के रहते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. और ऐसे प्लांट्स को हम पैरासाइट बोलते हैं. ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स. और जो ऐसे प्लांट्स को जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते पैरासाइट्स को आश्रय देते हैं उनको हम होस्ट प्लांट बोलते हैं. ओके, नाउ सी, ओके, यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्वाइनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री. दिस प्लांट इज कॉल्ड कैस्कटा, अमर बेल. ठीक है, तो आप देखें उस पिक्चर में कि एक येलो वायरी ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम्प और ब्रांचेस में ट्वाइन किया, मतलब ट्वाइनिंग मतलब कि ऐसे ऐसे लिपटा हुआ है. ठीक है, दिस प्लांट इज कॉल्ड कैस्कटा और अमरबेल. ये जो येलो था ना ट्री के ऊपर उसको अमरबेल या कैस्कटा बोलते हैं. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. और ये जो अमरबेल होता है ये रेडीमेड फूड बनाता है, मतलब जो बनाता है ट्री उसके ऊपर क्लाइंब कर जाता है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड होस्ट. ओके, मैंने अभी अभी बताया कि जो पैरासाइट्स को आश्रय देते हैं. ओके, सच टाइप ऑफ प्लांट विच प्रोवाइड रेडीमेड फूड टू द अदर प्लांट्स हु डू नॉट मेक देयर फूड और हु आर डिप्राइव्ड ऑफ क्लोरोफिल, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होस्ट प्लांट. ओके, इफ द क्वेश्चन विल बी आस्क कि होस्ट प्लांट क्या होते हैं तो उसका आंसर यही होगा कि ऐसे प्लांट्स जो कि पैरासाइट्स को आश्रय देते हैं. ओके, जो पैरासाइट्स को रेडीमेड फूड प्रोवाइड करते हैं सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड होस्ट प्लांट. ओके,
It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it is climbing is called host. Since it deprives the host of valuable nutrients. अब क्या है कि parasites जो है वो host के ऊपर dependent हैं. तो जो host plant है उसमें क्या हो जाएगा? Nutrients की कमी हो जाएगी. Got it? Cascita is called parasites. और ऐसे plants जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, जो host plant पे depend करते हैं अपने food के लिए, such type of plants are called parasites. Okay, so one question will be asked that what are parasite plants. So parasite plants are such type of plants which depends upon the other plants for their food. They are called parasites. Are we and other animals also a kind of parasites? क्या हम लोग या जो बाकी सारे animals हैं वो parasites ही होते हैं? You should think about it and discuss with your teacher. हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने teacher से discuss करना चाहिए. Okay, अब now हम लोग आगे पढ़ेंगे. डैट हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स डैट कैन ईट एनिमल्स. देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम. इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. क्या आप ऐसे प्लांट्स के बारे में सुने हैं जो कि एनिमल्स को खाता है? आपको मूवी याद है लाइफ ऑफ पाई, जो लास्ट में आइलैंड पे पहुंच एक आइलैंड पे पहुंचता है वो शेर, वो बाघ जो रहता है और वो लड़का, तो जो रात में है वो सारा जो प्लांट्स होता है वो ह्यूमंस को और इंसेक्ट्स को खाता है. ओके, तो इस तरह के भी प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको खाते हैं. ओके, लुक एट द प्लांट फिगर 1.6. एक फिगर दिया हुआ है एक प्लांट का, फिगर 1.6 में आप इस फिगर को देख लीजिए. ओके, नाउ द पीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव. द एपेक्स ऑफ द लीव फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर. ओके, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो पीचर लाइक है, ये जो जग टाइप का स्ट्रक्चर है ना, पीचर का मतलब क्या होता है पता है? ऐसा लिक्विड कंटेन करने का थैला को हम लोग पीचर बोलते हैं, ठीक है? और इस पीचर में ये जो होता है एक लिक्विड कंटेन करता है ये. ओके, जिसको कि इसका ये डाइजेस्टिव, वो जो लिक्विड होता है ना, वो इसी प्लांट्स का डाइजेस्टिव जूस होता है. एपेक्स का मतलब होता है एकदम टॉप पे. तो देखिए टॉप पे क्या है, ये लिड है. ओके, जो कि बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है. ये माउथ पे होता है, ये जो लिड होता है ये पीचर के माउथ पे होता है. ओके, नाउ इनसाइड द पीचर देयर आर सम टाइनी हेयर्स. पीचर के अंदर क्या होता है? इनसाइड द पीचर देयर आर सम, आई विल शो यू, टाइनी हेयर्स. ओके, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. ये जो हमारा पीचर होता है इसमें टाइनी हेयर्स होता है जो कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स होता है. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पीचर द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट इंटैंगल्ड इनटू द हेयर. इंटैंगल्ड का मतलब क्या होता है? उलझना. ओके, जब किसी चीज़ से कोई उलझ जाता है ना तो उसको बोलते हैं इंटैंगल, ठीक है? तो ऐसे क्या होता है कि पीचर में इंसेक्ट गया और हेयर से क्या हो गया? उलझ गया, ट्रैप्ड हो गया. ओके, द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड. जो लिड है, जैसे ही इंसेक्ट अंदर आता है तो ये जो ऊपर का लिड होता है वो नीचे ऐसे होके बंद हो जाता है. द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाई डाइजेस्टिव जूस सिक्रीटेड इन द पीचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ओके, मैंने आपको बताया था ना कि पीचर के अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है, जो कि कोई इंसेक्ट जाता है उस तो क्या होता है, पहले लिड आपका बंद हो जाएगा, उसके बाद जो अंदर इसका जूस होता है, ये जो आपका हेयर्स होता है ये इसको ट्रैप कर लेगा और जो जूस होता है उसको जो इंसेक्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने में, उसका जो आपका न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है. तो ऐसे जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं. ओके, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या ये पॉसिबल है कि वो जो प्लांट्स होते हैं, आखिर वो भी तो सॉइल ही पे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी तो सॉइल पे ही उगते हैं ना, तो क्या सॉइल से उनको नहीं मिलता है? सो आप इसका आंसर खोजिएगा. वी विल मूव फर्दर. नाउ व्हाट इज सैप्रोफाइट्स? ओके, सैप्रोट्रॉप्स. नाउ वी विल स्टडी सैप्रोट्रॉप्स. यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट. ओके, हम लोगों ने बहुत सारा मशरूम का पैकेट देखा है जो कि वेजिटेबल मार्केट में मिलता है. ओके, नाउ सॉरी, यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन.
lets us find out what type of nutrients they need to survive from where they get them. ओके, मशरूम्स को हमने देखे हैं मार्केट में. ओके, अम्ब्रेला लाइक पैचेस होता है जो कि मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी पे या सड़ी हुई जो वुड होता है उसके ऊपर, ऐसे देखिएगा वुड है और इसके ऊपर जो है ये क्या होगा, एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आपका हो आ जाता है. ठीक है, तो ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, ये मशरूम होता है जिसको कि हम लोग खुखड़ी भी बोलते हैं, रुबड़ा भी बोलते हैं. तो ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स अपना कहाँ से इसको मिलता है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स अपने सर्वाइवल के लिए इनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है उनको कहाँ से प्राप्त होता है. तो लेट्स फाइंड आउट. पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर. एक पीस ऑफ ब्रेड लीजिए और उसको पानी से मॉइस्चन कर दीजिए. लीव इट इन अ मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days अंटिल फ्लफी पैचेज अपियर ऑन देम. और ये जो मॉस्ट होता, ये जो हमारा मॉस्टन ब्रेड होता है जो वाटर से मॉस्टन किया हुआ रहता है, उसको 2 से 3 दिन के लिए हम लोगों को क्या करना है कि वार्म जगह पे, जो गर्म जगह है वहाँ पे छोड़ देना है ताकि फ्लफी पैचेस जो है उसके ऊपर आ जाए. आप देखेंगे कि ब्रेड को छोड़ दोगे ना तो वाइट वाइट कलर का उसके ऊपर क्या होता है. What is the color of these patches? इन patches का color क्या होता है? Observe the patches under a microscope or in a magnifying glasses. और ये जो bread के ऊपर patches होता है इसको magnifying glasses से या microscope से हम लोगों को क्या करना है? Observe करना है. Write down your observation in a notebook. और इस observation को आपको अपने notebook पे लिखना है. You will see cotton-like thread spread on the piece of bread. और आपको पता चलेगा कि ये bread है उसके ऊपर white color का लगा हुआ है. ठीक है, इस तरह का कॉटन लाइक जो थ्रेड्स होता है वो पीस ऑफ ब्रेड के ऊपर क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा. इज इट क्लियर? ओके, आई थिंक आई एम क्लियर विथ ऑल माय वर्ड्स. नाउ दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई. दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. ये जो ऑर्गेनिज्म होता है जो ब्रेड के ऊपर वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम फंगाई बोलते हैं. ओके, तो फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कैसे ये अपना न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ये ब्रेड से जिसके ऊपर लगता है, जिसके ऊपर ये उगता है उससे अपना उसका न्यूट्रिशन को खींच लेता है. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स. ओके, दिस वन हियर वी आर ऑल्सो हैविंग वन ब्यूटिफुल क्वेश्चन कि वॉट इज सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो न्यूट्रिशन होता है वो डेड और डिकेइंग मैटर से लेता है, उसको हम लोग सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. ओके, इज इट क्लियर? नाउ सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रोप्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन वैल्यू को लेते हैं उसको हम लोग सैप्रोट्रोप्स बोलते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रोप्स. फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. फंगाई जो होता है हमारा वो न सिर्फ आपका खाने पे लगता है, वो पिकल्स पे लगता है, लेदर्स पे लगता है, क्लॉथ्स पे लगता है और अदर आर्टिकल्स पे. एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि वॉट आर द प्रोबेबल प्लेसेस. प्रोबेबल का मतलब होता है कि कहाँ उसका संभावना है. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना. तो व्हाट आर द प्रोबेबल प्लेसेस वेयर फंगाई कैन ग्रो. कहाँ कहाँ फंगाई ग्रो कर सकता है, तो आप एग्जांपल में अदर देन फूड. ओके, अदर देन फूड फंगाई कहाँ कहाँ ग्रो कर सकता है, तो वो लेदर्स पे ग्रो कर सकता है, क्लॉथ्स पे ग्रो कर सकता है. ओके, नाउ ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मैनी थिंग्स. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगाई इन योर हाउस. जो भी मतलब जो भी चीज़ों को ख़राब किया है फंगाई, ये आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि फंगल इंस्पेक्शन से क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके घर में ख़राब हुई हैं. ओके, नाउ द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स. दे जर्मिनेट एंड ग्रो. जो फंगल स्पोर्स होता है यानी छोटा छोटा जो बिंदु टाइप का होता है, ये इस तरह का फंगल स्पोर्स, ये एयर्स में हमेशा रहता है, लेकिन जब ये वेट और वार्म थिंग्स पे
आके गिरता है, बैठता है, इसको वार्म और वेट और वार्म प्लेस जहाँ मिलता है तो वहाँ वो उग जाता है, ग्रो कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अदर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड? क्या आप ये फिगर आउट कर सकते, क्या आप ये सोच सकते कि किस तरह से हम बाकी जो चीज़ें हैं उनको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं? ओके. सम ऑर्गेनिज्म लीव टुगेदर एंड शेयर बोथ सेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ में ग्रो करते हैं और साथ में रहते हैं और वो अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को शेयर करते हैं, ठीक है. सम ऑर्गेनिज्म लीव टुगेदर एंड शेयर बोथ सेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. क्या होता है कि दो चीज़ है वो एक साथ ग्रो कर रहा है, ये इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स दिया, ये इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स दिया. ओके. तो इस टाइप का रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगाई लीव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. तो क्या होता है कि कुछ फंगाई जो होते हैं वो प्लांट्स का जो रूट्स होता है उसमें रहते हैं. द प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो फंगस को क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स देते हैं. और रिटर्न में फंगस क्या प्रोवाइड करता है? उनको वाटर देता है. ओके. सो विल मूव फर्दर. इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेंस, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लीव टुगेदर. ओके. एक ऑर्गेनिज्म है, आपका एग्जाम्पल है ऐसे सिम्बायसिस रिलेशनशिप का लीचेन. तो एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है विच इज एन एल्गा. इसमें एक एल्गा और फंगस साथ में रहता है. तो एल्गा जो होता है वो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है. एल्गा के पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है. और फंगस के पास क्या होता है, देखते हैं ये क्या शेयर करता है. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा. जो फंगस होता है वो शेल्टर वाटर और मिनरल्स एल्गा को देता है और एल्गा इन रिटर्न क्या करता है, रेडीमेड फूड. क्योंकि एल्गा के पास क्या है, क्लोरोफिल है, तो वो रिटर्न में फंगस को क्या देता है, रेडीमेड फूड देता है. इस तरह से लीचेंस जो है आपस में रहते हैं. एक फंगस और एक एल्गा का जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में रहता है. तो लीचेन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. ओके. अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा व्हाट इज सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ओके, एंड व्हाट इज द व्हाट इज सिम्बायोसिस, तो व्हाट विल बी द आंसर. सम ऑर्गेनिज्म लीव टुगेदर एंड दे शेल्टर बोथ दे शेयर बोथ देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड लीचेन इज एग्जांपल ऑफ इट. ओके. और उसके बाद फिर लीचेन का पूरा कहानी भी आप लिख सकते हैं. नाउ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. रिप्लेनिश्ड का मतलब होता है भरपाई, ठीक है. सॉइल में हम लोग प्लांट्स को उगा रहे हैं, हमारा प्लांट्स ग्रो कर रहा है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है और उस न्यूट्रिएंट्स के हेल्प से ग्रो कर रहा है. अब जो ये न्यूट्रिएंट्स है ये सॉइल में तो कम हो रहा है, तो कैसे इस न्यूट्रिएंट्स का भरपाई सॉइल में होता है? हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? आप लोगों ने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को फील्ड में स्प्रेड करते हैं. मैन्योर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और फर्टिलाइजर्स जो होता है वो मैनमेड होता है. ओके. ओके. नाउ यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. आप लोग ये तो पढ़ लिए कि प्लांट्स जो होता है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेता है. सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. अब क्योंकि लगातार हम प्लांट्स उगा रहे हैं, प्लांट्स है सॉइल में और वो बार बार मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ले रहा है, तो ये जो सॉइल है, सॉइल इसमें तो ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा. नाउ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ईटीसी. दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इन रीच द सॉइल. अब जो हमारा फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स जो है, जो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में पाया जाता है. तो ये न्यूट्रिएंट्स हम लोग फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की हेल्प से सॉइल में डालते हैं ताकि हमारा जो सॉइल है वो इन न्यूट्रिएंट्स से डिप्राइव्ड ना हो. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement in plants. Okay, हम लोग plants को grow कर सकते हैं और उसको healthy रख सकते हैं अगर हम लोग plants का nutrient requirement को fulfill करें तो. Okay. Usually, crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. Usually क्या होता है कि जो हमारा
प्लांट्स होता है वो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, और जो हमारा सॉइल होता है उसमें नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होता है. यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, द प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, प्लांट्स उस तरह से नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली एब्जॉर्व करके यूज़ नहीं कर सकता है. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म. जो हमारा ये जो होता है हमारा प्लांट्स, इसको जो हमारा जो नाइट्रोजन होता है उसको एब्जॉर्व करने के लिए, उसको अपने अंदर लेने के लिए उसको सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए. वो जो हमारा सराउंडिंग है जिसमें गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन है, उसको डायरेक्ट नहीं ले सकता है. द बैक्टेरिया called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into usable form. और हमारा जो बैक्टीरिया होता है जिसको कि हम लोग rhizobium बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो हम लेता है एटमोसफेयर से नाइट्रोजन को और फिर उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. बट rhizobium कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. अच्छा, तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स तो कर देता है लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता. So it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria. Here also we are finding one symbiosis, symbiotic relationship. देखो, यहाँ पे भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. क्योंकि राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बनाने पाता है तो ये क्या करता है, ये रूट्स में रहता है, जैसे ग्राम पीस मूंग और बीन्स जो होता है, जो अदर लेग्यूमेंट्स होता है, ओके, इनको ये क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और ये जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये इसको फूड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं. तो एक तरह से ये क्या हुआ, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ. ओके, नाउ एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर. और ये जो एसोसिएशन होता है ये फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है. दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स वेयर leguminous plants are grown. Most of the pulses are obtained from leguminous plants. और most of जो दाल होता है ना वो leguminous plants से हम लोगों को मिलता है. तो इस तरह से आप देखिएगा, एक process होता है हमारा crop rotation, उससे भी soil का fertility को maintain किया जाता है. क्या किए हम लोग, पहले rice को उगाए, तो राइस जो है नाइट्रोजन वगैरह जो कुछ भी लेना था ले लिए. उसके बाद हम दाल को उगाएंगे तो क्या होगा, दाल के रूट्स में क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है. ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर देगा, सॉइल को फिर से नाइट्रोजन रिच कर देगा. तो जो भी हमारा डेफिशिएंसी हुआ था न्यूट्रिशंस का, जो नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हुआ था, अगेन इसमें इसको मिल गया. तो इसलिए लेग्यूमिनस प्लांट्स को हम लोग क्रॉप रोटेशन के लिए यूज़ करते हैं. ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बट you are not concerned for this in this question for in this chapter. Okay, now in this chapter you learned that most of the plants are autotrophs, only a few plants are parasitic and saprotrophic. They deprive nutrition from other organism. All animals are characterized as heterotrophs since they depend on the plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? Okay. देखिए, इस चैप्टर पे हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं और कुछ सैप्रोट्रॉपिक होते हैं. वो न्यूट्रिशंस डेराइव करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से. ओके, सारा जो हमारा एनिमल्स होता है उसको हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं. वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. और जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उसको हम लोग पार्शियल हेटरोट्रॉप्स बोल सकते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स से वो खाना तो लेते हैं लेकिन इंसेक्ट को पकड़ते तो खुद है, इसलिए. ओके, सो आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस मिला. क्वेश्चंस को पढ़िएगा, अच्छी तरह से रहिएगा एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे.